प्रभा स्टार फिल्म सलार पार्ट वन सीज फायर साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से है। इस फिल्म के रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वही अब फाइनली सलार पार्ट वन सीज फायर का इंतजार खत्म हो गया। दरअसल फिल्म बड़े पर्दे पर आने से बस कुछ ही हफ्ते दूर है। जुलाई में रिलीज हुई फिल्म के टीजर से लोग काफी इम्प्रेस हुए थे और अब फिल्म के ट्रेलर को लेकर भी हर कोई एक्साइटेड है। चलिए जानते हैं प्रभास की फिल्म का ट्रेलर कब और किस दिन रिलीज होगा। प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सलार पार्ट वन सीज फायर का ट्रेलर रिलीज होने से बस एक दिन दूर है। दरअसल फिल्म का ट्रेलर 1 दिसंबर को 7:19 पर यानी शाम के 7:19 पर रिलीज होगा। प्रभास ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर कर ट्रेलर रिलीज की डेट और टाइमिंग की अनाउंसमेंट की। फिलहाल फैंस सलार पार्ट वन के ट्रेलर को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। हाल में ही प्रशांत नील फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी शेयर करते हुए नजर आए। इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर ने कहा, यह दो दोस्तों की कहानी है जो दुश्मन बन जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, प्रभास एक दिग्गज है, वह बहुत विनम्य है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशांत नील सलार पार्ट वन सीज फायर में एक दिलचस्प कहानी सुनाएंगे जिसमें दोस्ती एक अहम इमोशन होगी। फिल्म दो दोस्तों की कहानी होगी जो सबसे पहले बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक एक्शन एंटरटेनर की आधी कहानी है। इसके बारे में बात करते हुए प्रशांत नील ने कहा, हम दो फिल्मों के दौरान दोस्तों की यात्रा दिखाएंगे। ट्रेलर में दर्शकों को हमारे द्वारा बनाई गई दुनिया की एक झलक मिल जाएगी। उनकी बातें पढ़कर आपको महसूस हो रहा होगा कि फिल्म को लेकर उत्साह को भी बढ़ा दिया गया है। हॉर्नबे फिल्म सलार पार्ट वन सीज फायर में प्रभास के साथ पृथ्वीराज सुखकामन, श्रुति हसन, जगप्रति बाबू नजर आने वाले हैं। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी यह फिल्म 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सलार पार्ट वन ने रिलीज से पहले भी खूब नोट छाप लिए हैं। दरअसल फिल्म के OTT राइट्स भी बिक चुके हैं। गेट सिनेमा की खबरों के मुताबिक फिल्म ने OTT राइट्स नेटफ्लिक्स से 160 करोड़ रुपए में खरीदे। बता दें कि सलार पार्ट वन में KGF डायरेक्टर प्रशांत नील और प्रभास ने पहली बार कॉलोबरेट किया है। हॉम्बले फिल्म द्वारा निर्माणित फिल्म में प्रभास के अलावा श्रुति हसन, पृथ्वीराज सुखमारन और जगपति बाबू भी अहम रोल में दिखाई देंगे। ये फिल्म 22 दिसंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में रिलीज होगी। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के द्वारा निर्देशित फिल्म डंकी भी सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ऐसे में दो सुपरस्टार के बीच टक्कर देखना दिलचस्प होगा।